Chai is life for me, so I take life every day. Namaste, hello, and welcome back to my channel, which is Chai Chai with Mamta Pathak. आप तो मुझे वैसे भी जानते ही हो, लेकिन मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ और कुछ पर्सनल स्केड्यूल था मेरा, कुछ मैं बिज़ी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं. तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक कुछ हेल्दी सी और मिठास भरी रेसिपी लेकर. और आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी रेसिपी, रेसिपी इन द सेंस मेरा चैनल ही चाय चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं चाय की रेसिपी यानी टी रेसिपी मैं लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ. रिसर्च कहती है कि ये टी एक्चुअली वर्क्स एज अ होम रेमेडी फॉर स्लीप. और मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैं, ऑफकोर्स मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि ये फ्रूट टी है. आज मैं फिर से एक नया फ्रूट लेकर आई हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो कौन सा फ्रूट है. इसके लिए आपको मेरा जो वीडियो है उसको एंड तक देखना पड़ेगा. लेकिन ऑफकोर्स मैं इसके मतलब इसके बेनिफिट्स और ये किस चीज़ में आपको फ़ायदा करेगा वो मैं श्योर आपको बताऊँगी. ये पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन सी में भरपूर मात्रा में है. ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी जिन लोगों को रात में बहुत स्ट्रगल होती है सोने में, या फिर आप एक बार सोते हैं तो आप बीच बीच में एक उठ जाते हैं, कहने का मतलब. तो ये उन लोगों के लिए बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है. ये मतलब टेस्टी के साथ साथ ईजियर टू डाइजेस्ट भी है. तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे. और ये जो रेसिपी है इसमें मैं बता दूँ, सिर्फ इसके लिए एक कप आपको पानी चाहिए और एक वो फ्रूट चाहिए जिसकी रेसिपी मैं आपको किचन में, ऑफकोर्स मैं बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कौन सा वो फ्रूट है. बस इतनी ही चीज़ें चाहिए. वेरी सिंपल, ईजी टू मेक एंड ईजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो. एंड इस फ्रूट में एक और चीज़ है कि इस फ्रूट में मिनरल एंड फाइबर है, जिसके कारण आपको रात में बहुत अच्छी मतलब गुड नाइट स्लीप आएगी. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. ये जब आप बनाएंगे टी, इसको आपको सोने से पहले, जब बिफोर बेड आप जाते हैं खाना वाना खा के आराम से, जब आप बेड पे बैठते हैं तो आप जब सोने लगते हैं उसके 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे पहले इस कप को बनाइए, पीजिए और फिर देखिए इसका कमाल कि आपको कितनी अच्छी नींद आएगी. तो इस ये एक नुस्खा है. ऑफकोर्स मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ इट्स अ होम रेमेडी. जिन जिन को भी प्रॉब्लम है स्लीपिंग की, जो बहुत लेट नाइट्स होते हैं, रात रात को नहीं सोते, और जो एक बार सोते हैं वो बीच बीच में उठ जाते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती है, ये उन लोगों के लिए है. और ये उन लोगों के लिए ये टी एक वरदान है. ऊपर से आप, ऑफकोर्स मैं हमेशा अपने चैनल पर हेल्दी टीज लेकर आती हूँ, तो ये भी एक हेल्दी टी है. आप इसको पीजिए, इंजॉय कीजिए और अपनी नींद जो है पूरी कीजिए. बिकॉज अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती वो भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है. फ्रूट की टी बन सकती है और इसकी इसको पीने से इतने फ़ायदे हो सकते हैं, ये आपको. चलिए किचन में चलते हैं और हम बताते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इंग्रेडिएंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक बनाना चाहिए और एक कप पानी चाहिए. जितने लोग होंगे उतना पानी, यानी अगर मैं अपने लिए सिर्फ एक कप बना रही हूँ तो एक कप पानी ही चाहिए मुझे, और एक बनाना चाहिए उसी हिसाब से. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो टिप्स हैं इसको काट लीजिए, इसको साइड रख लीजिए, फिर इसको ऐसे करके कुछ पीसेस में इसको कर लीजिए. हमने गैस ऑन कर दिया है, वेसल को रख दिया है. ये एक कप पानी है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ. रख चुकी हूँ, जब तक बॉईल होगा तब हम इसमें बनाना को डालेंगे. इस बनाना को डाल देती हूँ. और इसका जो टाइम है, इसका जो प्रोसेस है, वो एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स तक इसको बॉईल करना है और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. सिनेमन स्टिक जो होती है दालचीनी, वो ऑप्शनल है. अगर किसी को पसंद है सिनेमन टी तो वो इसमें डालकर पी सकता है. वैसे ये ऑप्शनल, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करता है, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे इतना नहीं पसंद है. तो मैं सिर्फ बनाना टी पीती हूँ. इसको आप रात में, ये बेड टाइम टी है, आप जब खाना वाना खा लें, जब सोने के लिए जाएं, बिफोर बेड आप इसको एक कप पीजिए और उसके बाद इसका फ़ायदा देखिए.
तो ये बॉईल हो रहा है, इसको मैं 10 मिनट्स के लिए ढककर छोड़ दूंगी। ये बहुत सिंपल सी टी है, देखिए ये बॉईल होने लग गया है ये, और इसका कलर ऐसे ही आएगा क्योंकि बनाना जितना भी आप बॉईल करोगे, अगर आप इस बनाना को नहीं फेंकना चाहते हो तो जो ये बॉईल बनाना है आप इसको खा भी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपने डाल दिया तो इस बनाना को आप फेंक दें और उसके बाद सिर्फ इसका पानी पीना है, आप खा भी सकते हैं क्योंकि बॉयल चीज़ है, बॉयल चीज़ अच्छी ही होती है और ये कोई इतना फैटनिंग नहीं होता कि आपका वजन बढ़ा दे। अब इन बनानास को आप साइड में निकाल दीजिए, ऐसे स्टेन भी कर सकते हैं लेकिन मैं इनको निकाल के फिर स्टेन करती हूँ। ये हो गया और अब इसको छान लीजिए यानी स्ट्रेन कर लीजिए। तो ये आपकी मज़ेदार और नींद के लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा, आप पी के देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आपकी बनाना टी।